Hey guys, good morning to you all. This is Manjeet and welcome to my Smart World YouTube channel. So guys, आज के एपिसोड में बात करने वाले हैं दो डॉग स्पीड के बारे में, जो है रॉटवाइलर एंड जर्मन शेफर्ड। बट जर्मन शेफर्ड में आप लोगों को दो अलग अलग डॉग्स देखने को मिलेंगे। तो वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं इस पावरफुल डॉग ब्रीड के साथ, जो है रॉटवाइलर। सो गाइस, ये रॉटवाइलर एक फीमेल है एंड बहुत ही अच्छी क्वालिटी में है एंड ऑलरेडी एक बार पपीज को जन्म दे चुकी है, जो कि इसका लीटर साइज 8 पपीज का था। तो फ्रेंड्स, इस फीमेल को परचेज करके आप लोग भी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं, बिकॉज ओनर ने मुझे बताया कि ये फीमेल नियर हीट है। तो इसे क्रॉस कराने के बाद बहुत ही जल्दी आप लोगों के पास भी छोटे छोटे पपीज होंगे। तो फ्रेंड्स, फीमेल की क्वालिटी तो अच्छी है ही, साथ में काफी हैवी बोन भी है और उन्होंने इसकी सभी वैक्सीनेशन कंप्लीट करा रखी है, तो आई थिंक कार्ड भी अवेलेबल हो जाएगा। और टेम्परामेंट के बारे में बात करें तो उन्होंने मुझे बताया कि ये नॉर्मल नेचर की है, ना तो ज्यादा फ्रेंडली एंड ना ही ज्यादा अग्रेसिव। तो अगर इसकी एज के बारे में बात करें तो ये फीमेल 1.5 साल की हो चुकी है एंड इसकी जो लोकेशन है वो है नजफगढ़ नियर न्यू दिल्ली से। और जितना भी पॉसिबल हो सकता है ओनर आप लोगों को डिलीवरी प्रोवाइड करा देंगे, बट एक्स्ट्रा चार्ज पर। और अगर इसके प्राइसिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, ओनर जो इसके प्राइस की डिमांड की है वो क्या है, 12,500 रुपीज, यानी 12,500 रुपए। और ये प्राइस नेगोशिएबल है, परचेज करते टाइम आप लोगों को डिस्काउंट मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, बढ़ते आगे एंड बात करते हैं नेक्स्ट डॉग ब्रीड के बारे में, जो है जर्मन शेफर्ड। वैसे फ्रेंड्स, अभी रिसेंटली मैंने इस जर्मन शेफर्ड पपी की सिस्टर्स की वीडियो डाली थी, जिनका प्राइस सिर्फ 6,000 रुपीज था और वो सिर्फ 1 आवर में सेल हो गई थी। बट ये जो जर्मन शेफर्ड है, ये एक मेल पपी है एंड ओनर के पास सिर्फ सिंगल ही अवेलेबल है। तो आई होप आप लोगों को इस जर्मन शेफर्ड पपी का प्राइस भी काफी पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, इस पपी के बारे में और बातें करते हैं, बट उससे पहले ये हमारी कल की वीडियो के टॉप 3 कमेंट्स, जिसमें से फर्स्ट है अर्जुन भदूरी, सेकंड है सौरव एंड थर्ड है प्रशांत चौधरी। तो गाइस, अगर आप लोगों के पास फिलहाल ज्यादा पैसे नहीं है किसी डॉग के ऊपर स्पेंड करने के लिए, तो आप लोग इस डॉग को परचेज कर सकते हैं, बिकॉज इसका प्राइस काफी अफोर्डेबल है। वैसे फ्रेंड्स, वीडियो में जो तीनों डॉग्स हैं, ये तीनों एक ही ओनर के पास हैं, तो इनकी लोकेशन और कॉन्टेक्ट नंबर तीनों का सेम है। तो अगर इस पपी की एज के बारे में बात करें तो ये 64 डेज का हो चुका है एंड ओनर ने जो इसके प्राइस की डिमांड की है वो क्या है, 8,500 रुपीज, यानी 8,500 रुपए, एंड इसमें भी आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर अभी भी ये डॉग आपके बजट में नहीं है तो एटलीस्ट एक बार आप लोगों को डॉग ओनर से कॉन्टेक्ट जरूर करना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सभी डॉग्स के प्राइस में आप लोगों को अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, इस पपी के बाद बात करते हैं हमारे सेकंड जर्मन शेफर्ड के बारे में, जो कि एक सेमी एडल्ट फीमेल है। तो फ्रेंड्स, यह है वो जर्मन शेफर्ड। इसकी क्वालिटी में ज्यादा अच्छी तो नहीं कहूंगा, एक नॉर्मल क्वालिटी की फीमेल है। फिलहाल ये जर्मन शेफर्ड जस्ट 7 मंथ की हुई है और अभी तक इसकी फर्स्ट हीट भी नहीं आई है और उन्होंने इसकी भी वैक्सीनेशन कम्प्लीट करा दी है। तो इस फीमेल को परचेज करने के लिए भी आप लोगों को डॉग ओनर से ही कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, जिनका नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर इसके भी प्राइस के बारे में बात करें तो ओनर जो इसके प्राइस की डिमांड की है वो क्या है, 8,000 रुपीज, यानी 8,000 रुपए। बाकी आप लोगों को पता ही है कि सभी डॉग्स के प्राइस में आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इन तीनों डॉग्स में से आप लोगों को किस डॉग का प्राइस ज्यादा अच्छा लगा और किसकी क्वालिटी, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। तो ये तक थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो, मिलता हूँ आप लोगों से एक और न्यू एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो तब तक के लिए बाय बाय।